बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5, सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स के बारे में बेटा जो हमारा काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, तो अब जो है हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको बाइनरी रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी आपके पास क्या है? कार्टीजियन प्रोडक्ट है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कार्टीजियन प्रोडक्ट का अगर हम सबसेट लें तो वो आपके पास क्या बनेगा? आर बनेगा, जिसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, सबसेट के बारे में आप लोग पहले जानते हैं। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी बिकॉज देर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी आप देख लेंगे। तो डोमेन के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने ऑर्डर पेयर राइट किया था, एक उसका फर्स्ट एलिमेंट था और एक उसका सेकंड एलिमेंट था, तो ऑर्डर पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके पास डोमेन में आएंगे, और ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट जितने भी होंगे वो आपके पास रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, डिनोटेड बाय डी ओ एम आर, डोमेन ऑफ आपके पास बाइनरी रिलेशन की जो है वो आपके पास ये आई है। इस तरह से इसको हम राइट करेंगे, इन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। ईच ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास डोमेन कहलाएगा। रेंज में देखें बेटा, सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, रेंज को आर ए एन जी के साथ डिनोट करते हैं। इन द सेट ऑफ कंसिस्टिंग द ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, तो ये आपके पास सेकेंड एलिमेंट जितने भी होंगे ये आपके पास रेंज कहलाएंगे। इसकी डिफाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। अब सपोज देखें जी, ए आपके पास एक सेट दिया गया है और एक आपके पास बी सेट दिया गया है, तो आपने रिलेशन फाइंड करना है जी ए टू बी। तो इसके लिए आप देखें, डोमेन इसकी क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट 2, 3 और 4, ये इसकी डोमेन है, और इसकी रेंज क्या होगी? 4, 6, 8। ये 4, 6, 8 जो है इसकी रेंज होगी। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है, तो उसको भी आप देख लेंगे। फंक्शंस और मैपिंग। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन एफ ए टू बी। फंक्शन को राइट करने का ये तरीकेकार होता है, एफ एफ ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। इसकी पहली कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ एफ जो है, फंक्शंस की जो डोमेन होगी वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस के लिए आपके पास दो सेट होते हैं, ए एंड बी। तो जो फंक्शंस की डोमेन होगी, डोमेन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, तो जो डोमेन ऑफ एफ होगी, एफ की जो डोमेन होगी फंक्शन की, वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे पास फंक्शन की पहली कंडीशन है चेक करने की। दूसरी कंडीशन कौन सी है जी? एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपेयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर इन एफ। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये इसकी सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीटेड, ये इसकी सेकंड जो है वो कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशनें होल्ड करेंगी तो ये आपके पास फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये अल्टरनेट डेफिनेशन है, इसको भी आप कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आपके पास ये जो फर्स्ट वाली है ये आपके पास ज़्यादा ईजी है। डोमेन को डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, इफ एफ ऑफ ए टू बी इज द फंक्शन देन ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज द कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एक्स। जो आपके पास एक डोमेन होती है, एक आपके पास को डोमेन होती है, रेंज को हम को डोमेन भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, तो डोमेन ये इसको पढ़ लेंगे, रेंज को हम को डोमेन भी कह देते हैं। ये फंक्शंस की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि फंक्शंस, एक पहले तो हम ये चेक करेंगे जो सेट दिया गया है क्या वो फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है तो वो फिर किस टाइप का फंक्शन है, तो वो हम चेक करने के लिए ये कुछ आपके पास ए बी सी डी डिफरेंट टाइप्स होंगे, तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी डिफाइन आ जाती है पेपर में अक्सर, इन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, तो ये हम देखेंगे। इन टू फंक्शंस क्या होता है जी? अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए।
रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा सेट बी का। देखिए बेटा, आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, और एक सेट आपके पास बी 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसको हम मैपिंग प्रोसीजर कहते हैं, जो जो अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ, इसको कहते हैं मैपिंग प्रोसीजर। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले हम इसका फंक्शन बनाएंगे, इसके ऑर्डर पेयर बना लेंगे हम। आप देखिए, जीरो एक उन्होंने फंक्शन हमें गिवन दे दिया है, फंक्शन कौन सा दिया है, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। इस फंक्शन की मदद से हम ये मैपिंग बना लेंगे। मैपिंग कैसे बनाएंगे, देखिए जीरो किसको मैप कर रहा है, वन को, तो ये जीरो आपके पास वन को मैप कर जाएगा। उसके बाद फिर वन किसको कर रहा है, वन फिर आपके पास वन को कर रहा है, और टू किसको कर रहा है, थ्री को, थ्री किसको कर रहा है, टू को। अब ये देखें कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी के साथ मैप कर रहे हैं, लेकिन सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी भी के साथ मैप नहीं कर रहा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में यही है, इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ इन सेट बी, बी का कोई एक एलिमेंट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम एक, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए के साथ मैपिंग ना बनाए, तो ये हमारे पास इनटू फंक्शंस कहलाएगा। फंक्शंस आपको गिवन दिया जाएगा, या फिर फंक्शंस को हासिल करने के लिए कोई एक ऐसी इक्वेशन दी जाएगी जिसकी मदद से आप फंक्शन को आसानी से फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने फंक्शन हमें पहले से गिवन दे दिया हुआ है। उसके बाद फिर वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन में देखें, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस बी। देखें, जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के साथ डिस्टिंक्ट इमेजेस बनाएंगे। यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं थी, देखें जीरो और वन दोनों एक ही नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो एक को मैप करे आकर, डबल मैपिंग हो रही हो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें डबल मैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की मैपिंग नहीं है। तो वन वन के अंदर ये खासियत होती है कि वो सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट करता है, जो एक दफ़ा जिसको वन एक टाइम मैपिंग हो जाती है, सेकेंड टाइम वहाँ पर नहीं हो सकती। उसके बाद बेटा इनटू फंक्शन है एंड वन वन फंक्शन है, इसको कम्बिनेशन से इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी आ जाता है, इनटू एंड वन वन फंक्शन के नाम से भी आ जाता है। द फंक्शन एफ डिस्कस्ड इन बी इज आल्सो इनटू फंक्शन, दस एफ इज एन इनटू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन। कहता है कि जी हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं बी पार्ट के अंदर, तो जो वो फंक्शन है वो आपके पास इनटू फंक्शन भी कहलाएगा और वन वन फंक्शन भी कहलाएगा। बी पार्ट देखिए जी, एंड ऑन टू एंड सब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑन टू एंड सब्जेक्टिव फंक्शन। आ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब देखेंगे आपके पास ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के साथ मैप कर रहे हैं, लेकिन बी के अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा जिसको मैप ना कर रहा हो। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था ऑन टू फंक्शंस के अंदर के इनटू फंक्शंस के अंदर, वहाँ पर आपके पास बी का एक एलिमेंट ऐसा था जिसको मैप नहीं, मैपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो आपके पास बचना नहीं चाहिए, सबके साथ मैपिंग होनी चाहिए, तो ऐसा फंक्शन जो है वो आपके पास ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा या सब्जेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ए सेट आपके पास 0, 1, 2, 3 है और बी आपके पास 1, 2, 3 है, तो आप इसकी मैपिंग बनाएंगे तो ये आपके पास मैपिंग बन गई है। रेंज आपके पास क्या होगी, 1, 2, 3 है और बी सेट आपके पास इक्वल टू बी आ जाएगा। रेंज ऑफ सेट क्या होनी चाहिए, सेट बी के इक्वल होनी चाहिए, ये भी इसकी डिफाइन में आ जाता है कि सेट की जो रेंज है वो आपके पास सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो आपके पास ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा। उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है बेटा, या इसको वन टू वन क्रॉस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। तो इसकी यहाँ से आप देखें कि पहले मैंने वन वन फंक्शंस को डिस्कस किया था, उसके अंदर ये था कि सेम टू सेम यही प्रोसीजर था, लेकिन बी के अंदर एक एलिमेंट जो है वो बच रहा था, लेकिन यहाँ पर बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, सारे के सारे ए के साथ मैप करेंगे, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। इसकी डिफाइन ये पढ़ सकते हैं आप, अ फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली, इसको पढ़ते हैं बेटा, इफ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ इज वन एंड ऑन टू। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये आप इसका नोट पढ़ लेंगे। एक एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू।
एवरी फंक्शन मे नॉट बी वन वन, हर फंक्शन जो है वो वन वन नहीं हो सकता है। उसके बाद एवरी फंक्शन मे नॉट बी ऑन टू, हर फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं हो सकता। 5.5 एक्सरसाइज है इसके अंदर बेटे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे एल और एम दो सेट दिए गए हैं, तो उसने ये कहा कि फाइंड टू बाइनरी रिलेशन एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। दो सेट दे दिए गए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, हम सबसे पहले एल क्रॉस एम फाइंड करते हैं जी। एल क्रॉस एम फाइंड करेंगे तो L क्रॉस M फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते थे। तो उसका अब हम सबसेट ले लेंगे, कोई भी सबसेट ले लेंगे। ए तीन पेयर पिक कर लिए और दूसरे सेट में मजीद और तीन पेयर हमने पिक कर लिए, तो ये आपके पास दो जो है वो बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। बहुत ईजी है। अगर आप M क्रॉस L बनाएंगे तो R3 और R4 बन जाएंगे, ये आपके पास बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे। इसी तरह से बेटा इसके जो पार्ट्स हैं वो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि आपके पास R1 और R2 फाइंड, M क्रॉस M फाइंड करना है। M को आप M के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप उसको बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लेंगे जितने भी सबसेट है। सबसेट ज़रूरी नहीं है कि आपने तीन लेने हैं, चार लेने हैं, तो आप उसमें से कोई भी दो ऑर्डर पेयर भी पिक कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। If set M has 5 element, then find the number of binary relation in M. Formula finding the elements आपके पास क्या होगा, 2 की पावर M क्रॉस N। आपके पास देखें कि M सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो दो दूसरा सेट भी आपके पास M ही होगा, तो M 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 की पावर 25 एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है जी इंडिकेट रिलेशन इनटू फंक्शन 1 1, फंक्शन ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज इन ईच पार्ट। ठीक है बेटा, तो आपने ये करना है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वो फंक्शन है या नहीं, अगर वो फंक्शन है तो फिर वो किस टाइप का फंक्शन होगा, तो वो हमने इसको यहाँ पर ये बताना है। उसके बाद हमने डोमेन एंड रेंज भी बतानी है कि डोमेन एंड रेंज सेट्स की क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए बेटा आपके पास एक उन्होंने R1 सेट दिया हुआ है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। इसको चेक करने के लिए इसकी पहली कंडीशन ये देखेंगे कि डोमेन ऑफ एफ जो सेट ए की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर सेट ए हमारे पास गिवन नहीं है क्योंकि उन्होंने फंक्शन ही दे दिया हुआ है हमें, तो हम ये देखेंगे क्या ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो ये फंक्शन है। तो देखिए ये 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो फिर ये किस टाइप का फंक्शन है, तो उसको देखते हैं। देखिए 1 1 को मैप कर रहा है, 2 2 को मैप कर रहा है, 3 3 को और 4 4 को, डिस्टिंक इमेजेस बन रही हैं और कोई भी एलिमेंट जो है वो बी का नहीं रह रहा, तो ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। हमने सिर्फ इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन को राइट करना है। और इसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं ऑर्डर पेयर के वो डोमेन में राइट कर देंगे 1 2 3 4, और सेकेंड एलिमेंट जितने भी हैं वो हम रेंज में राइट कर देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से बेटा आपके पास R2 है, 1 2 3 और ये 3, क्या ये फंक्शन है, नहीं ये फंक्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो रिपीट हो रही है 1 2 3 3। देखिए देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास जो है वो फंक्शंस नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि ये आपके पास एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो फिर हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में आ जाएंगे और सेकेंड एलिमेंट आपके पास रेंज में आ जाएंगे। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया बेटा, उन्होंने मैपिंग बना के दे दी है, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आप लोग आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी फंक्शंस की अब तक जी। बेटा ये हमारा जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो गई है और ये चैप्टर भी अब इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो इस प्रैक्टिस, इस चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास फंक्शंस की जितनी भी डेफिनेशन है, ऑन टू, वन टू, इन टू, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितने भी फंक्शंस हैं इनकी डिफाइन आप तैयार कर लेंगे, इसकी मैपिंग आपने जहन में रखेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। और अपना काम करते रहिएगा। जज़ाकअल्लाह, खुदा हाफिज़ बेटा।